आईसीसी तालुक की बड़ी बार खेलने की कोशिश, लेकिन कामयाबी नहीं यहाँ पर। अब पहली गेंद पर अपना विकेट खोकर वापस सेवन रन के तरफ लौटते हुए जीरो लेकिन की पहली विकेट की पतन बाबलू के रूप में। हीरो लीजेंड वर्सेस मां पावड़ी के बीच खेला जा रहा है। पहली गेंद में पहला विकेट बल्लेबाज आशीष गुप्ता, आशीष आए हैं दूसरे बल्लेबाज के रूप में, जाने माने बल्लेबाज हैं, काफी और ये अंपायर को क्रॉस करते हुए और बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। और LBW का अपील करते हुए, हालांकि इसमें LBW रखा नहीं गया है, फिर भी लोग अपील कर रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार और आशीष सामना करेंगे और इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ कुछ नहीं समझ पाए आशीष, फिर से साफ भी हो यानी दो गेंदों में अभी तक खाता नहीं खोल पाए आशीष। फिर से एक बार आशीष और इस बार पॉइंट की दिशा में खेलकर एक रन चुराने की कोशिश और एक रन आसानी के साथ चुरा भी लिए। पहली बार सामना करेंगे बीरेंद्र सिंह भोला, बहुत अच्छे बल्लेबाज है हमारे, और पहली बार सामना करेंगे इस मैच में और बहुत अच्छा। हालांकि ये लीजेंड लीग है, अपने सब पर्टिकुलर प्लेयर से इस वजह से ऐसे बल्लेबाज को देखने मिल रहा है, कोई जुड़ा बल्लेबाज है नहीं, बहुत मजा आने वाला है आगे मैच का हल देख कर। फिर से एक बार बॉलर सामना करेंगे इस गेंद का और इस बार उठा दिए हैं और इसी के साथ कीपर ने आसानी से उनका पारी का अंत कर दिया। फिर से एक बार सामना करेंगे आशीष, बहुत अच्छा गेंदबाज, एक ओवर में एक रन देकर एक दो बहुमूल्य विकेट लिए हैं और इस बार शॉर्ट आर्म जम कर दिए हैं, हालांकि फील्डर मौजूद कोई रन नहीं। फिर से एक बार भूषण का सामना करेंगे आशीष गुप्ता और ये गेंद और इस बार कुछ नहीं समझ पाए, हालांकि कट करने की कोशिश आशीष के द्वारा, इस बार भी सफल नहीं, कोई रन नहीं, चार गेंदों में पांच गेंदों में एक रन बनाकर आशीष खेल रहे हैं। फिर से एक बार भूषण सामना करेंगे वही बल्लेबाज आशीष जिन्होंने पांच गेंदों में एक रन बनाया और इस बार उछाल कर खेल दिया, लेकिन फील्डर मौजूद और इसी के साथ आशीष का पारी का अंत करते हुए छह गेंदों में सिर्फ एक रन बनाकर आशीष पवेलियन वापस जा रहा है। क्या जबरदस्त गेंदबाजी हो रहा है, एक रन के स्कोर में तीन बहुमूल्य विकेट, मां पावड़ी का जबरदस्त परफॉर्मेंस गेंदबाजी में अभी तक रहा है। अब आए मजनू आए हैं और ये गेंद बहुत ही अच्छा हल्के हाथ से खेलकर एक रन करते हुए अपने लिए और अपने टीम के लिए एक बहुमूल्य रन का योगदान देते हुए मजनू। फिर से एक बार भूषण सामने, इस बार नया बल्लेबाज और इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश, लेकिन सफल नहीं हो पाया, कोई रन नहीं। पहली गेंद पर कुछ अजीब गरीब शॉट खेलने को, फिर से एक बार भूषण और ये गेंद और इस बार भी बहुत अच्छा गेंद भूषण कर रहे हैं, आज जबरदस्त गेंदबाजी हो रहा भूषण के द्वारा और इसी के साथ दो ओवर की समाप्ति के बाद तीन विकेट के नुकसान पर सिर्फ तीन रन बना पाए अभी तक। फिर से एक बार मजनू सामना करेंगे और बहुत अच्छा गेंदबाज का और ये गेंद अच्छा गेंदबाज, एक बार मां पावड़ी का गेंदबाज और इस बार भी कोई रन नहीं, क्या घातक गेंदबाजी, 15 गेंदों में सिर्फ दो रन बने हैं, तीन विकेट गंवाए हैं हीरो लीजेंड ने अभी तक। एक बार मजनू सामना करेंगे और ये गेंद और इस बार उठा दिए हैं और फील्डर मौजूद और इसी के साथ कैच ड्रॉप, दो रन चुरा लिए। फिर से एक बार मजनू सामना करेंगे वही गेंदबाज का और इस बार भी बहुत अच्छा गेंद, लीजेंड मैच है, इसमें आपको इसी प्रकार का बल्लेबाज और इसी प्रकार का गेंदबाज देखने मिलेंगे, बहुत ही खुशी की बात है जो हमारे चांडी क्षेत्र में फिर से एक बार क्रिकेट को जीवन दान देने के लिए इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। फिर से एक बार और इस बार हल्के हाथ से खेल कर एक रन चुराने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उनके नॉन स्ट्राइक में जो बल्लेबाज है वो नॉट इंटरेस्टेड,
फिर से एक बार मजनू सामना करेंगे वही गेंदबाज का, इस बार भी बहुत अच्छा के हाथ से खेलकर एक रन चुराते हैं। एक बार भूषण आए गेंदबाजी करने, सामना करेंगे मजनू, इस बार क्या घातक गेंदबाजी, और ये बोल्ड कर दिए हैं, साफ बोल्ड कर दिए हैं, क्या जबरदस्त गेंदबाजी भूषण के द्वारा, 7 गेंदों में 3 विकेट ले लिए अपने लिए और अपनी टीम के लिए, क्या जबरदस्त गेंदबाजी रहा है भूषण के द्वारा, भूषण और इस बार भी बहुत अच्छा गेंद, अभी तक सिर्फ 2 रन दिए, 3 विकेट प्राप्त किए अपने लिए, वाह क्या जबरदस्त गेंदबाजी रहा है भूषण का, आप देख सकते हैं भूषण को, फिर से बहुत अच्छा गेंदबाजी कवर में भी कर रहे हैं, इस बार भी कुछ अजीबोगरीब शॉट खेलकर रन प्राप्त करने की कोशिश रहा इस बल्लेबाज का, फिर से असफल हो रहे हैं, क्या जबरदस्त गेंदबाजी रहा अभी तक भूषण का, और इस बार भी बहुत ही अच्छा गेंदबाजी, फिर से एक बार भूषण का हौसला अफजाई करते हुए, उनके साथी खिलाड़ी, लेकिन इस बार भी उसी अजीब और गरीब तरीके से खेलकर एक रन चुराया, कोशिश तो रहा जोरदार हिट लगाने का, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं पीली टोपी कालीगंज, फिर से एक बार भूषण और सामने वही बल्लेबाज, इस बार हल्के हाथ से खेलकर बॉल को सम्मान देते हुए, फिर से एक बार और इस बार उठा के खेल दिए, और ये दंदना दाड़ा और लाल छक्का, फिर से एक बार वही गेंदबाज और वही बल्लेबाज जिन्होंने अभी छक्का लगाया, और इस बार बहुत अच्छा गेंद ऑफ साइड में कुछ कट मारने की कोशिश बल्लेबाज के द्वारा, लेकिन सफल नहीं, फिर से एक बार सफेद टोपी सामना करेंगे इस पीले गेंदबाज का, और बाउंसर, दर्शकों में थोड़ा सा उत्साह देखने मिल रहा है इस बल्लेबाज के बल्लेबाजी को देखकर, हल्के हाथ खेलकर एक रन चुराते हुए, और अगले गेंद के साथ ही आपको अब गौरी शंकर सामना करेंगे पहली बार इस ओवर में, और ये गेंद और इस बार बोल्ड हो गए हैं, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन के बाहर जाते हुए गौरी शंकर के जगह लेने आए हैं काली राम, बहुत अच्छे बल्लेबाज है, बाकी अभी भी 19 गेंद शेष है, देखते हैं इस 19 गेंद में कितना रन बना पाते हैं हीरो लीजेंड्स, पहली बार सामना करेंगे काली राम, और ये गेंद और बहुत ही अच्छा क्लिक कर दिए हैं, जब तक फील्डर क्लिक कर पाते तब तक आसमान के साथ एक रन, और फील्डर से थोड़ा गफलाती हुआ था, 2 रन लेने का संभावना थी, लेकिन साथ टोपी ने उन्हें रोक दिया, इस बार काली राम सामना करेंगे, और ये गेंद और इस बार भी काली राम कुछ नहीं कर पाए, और इस बार हल्के हाथ से खेलकर पॉइंट की दिशा में एक रन चुराते हुए, पहली बार सामना करेंगे इस ओवर में सफेद टोपी, और इस बार बहुत अच्छा गेंद और अपील करते हुए, फिर से एक बार सफेद टोपी सामना करेंगे, और इस बार भी उछाल कर खेल दिए, और ये दंदना दड़ावला छक्का, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, फिर से एक बार विश्वजीत सामना करेंगे, और इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, और इस बार कीपर ने कोई गफलाती नहीं किया, और विश्वजीत का पारी का अंत करते हुए जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा अभी तक माँ पावड़ी के सभी गेंदबाजों का, डीके आए हैं, और आते ही दंदनाता डावरलाल दत्तमंजन कैच ड्रॉप, एक जबरदस्त मौका मिला था, लेकिन शॉट जबरदस्त था, लेकिन फील्डर की गफलाती की वजह से अभी भी डीके मैदान में मौजूद, डीके अपने जमाने के बहुत जबरदस्त बल्लेबाज रहे थे, और उनका नमूना देते हुए पहले ही गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजना चाह रहे थे, और इस बार फिर से बड़ी शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन कामयाबी नहीं मिली यहां पर बल्लेबाज डीके को, जब से डीके आए हैं पूरा दर्शक में रोमांच पैदा हो चुका है, और एक बार डीके सामना करेंगे इस गेंदबाज का,
और इस बार भी डीके सफल नहीं हो पाए, हालांकि कोशिश जारी रहा है अभी तक। फिर से एक बार डीके सामना करेंगे उसी गेंदबाज का, और इस बार थोड़ा दूर से बॉल को डिलीवर करते हुए डीके साफ हो गए, थोड़ा स्मूथ से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज। फिर से एक बार डीके सामना करेंगे उसी शोएब अख्तर के रन अप जैसे गेंदबाज का, और इस बार आउटसाइड एज लगा, और ये दन दना था डावरलाल धनमंजन चौका, इस बार फाइन लेग की दिशा में 4 रन प्राप्त करते हुए डीके। रन जिस भी प्रकार से आए, अभी रनों की आवश्यकता है हीरो लीजेंड्स की टीम को, और अभी डीके अपने कप्तान के भरोसे में खड़े उतरते हुए। फिर से एक बार डीके और सामना करेंगे उसी गेंदबाज का जिनका रन अप एकदम शोएब अख्तर की तरह, और इस बार भी डीके मिड विकेट की दिशा में उछाल कर खेल दिया, और ये तंग ना था फील्डिंग, क्या जबरदस्त फील्डिंग अपनी टीम के लिए बताते हुए। एक बार काली सामना करेंगे, और इस बार बॉल लो फुट उस गेंद को कुछ नहीं समझ पाए, और साफ बोल्ड हो गए, क्या जबरदस्त गेंदबाजी इस गेंदबाज के द्वारा, मिडिल विकेट उड़ा दिए। नौजवान गेंदबाज है, 32 साल उम्र है इनका, झारखंड जगुआर के जवान है। फिर से एक बार वासुदेव गोप गेंदबाजी करेंगे, और सामना करेंगे इस बार हीरो लीजेंड के हीरो, और धीरे धीरे अंपायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद, और इस बार भी बहुत अच्छा गेंद वासुदेव गोप के द्वारा। एक बार वासुदेव, और इस बार थोड़ा लाइन से भटके, और फलस्वरूप अंपायर का निर्णय वाइड। अभी तक 36 रन बन चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पर, और 4 गेंद शेष है। फिर से एक बार वासुदेव गोप, और ये गेंद, और इस बार स्ट्रेट में उठा दिए हैं, लेकिन फील्डर मौजूद, जब तक फील्डर फील्ड कर पाता तब तक आसानी के साथ एक रन। फिर से एक बार डीके आ गए हैं स्ट्राइक छोर में, जिन्होंने अभी अभी 2 चौवा लगाए अपने टीम के लिए और अपने लिए। फिर से एक बार वासुदेव गोप, और इस बार सामना करेंगे डीके, और ये गेंद, और इस बार उठा दिए, और ये डावरलाल धनमंजन छक्का। जब से डीके आए हैं दर्शकों में एक रोमांच पैदा हो गया है, और उसका नमूना पेश करते हुए डीके बल्ले को उठाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए दर्शकों का, कि मैं अभी मौजूद हूँ मैदान में, और आप लोगों का एंटरटेन करता रहूंगा। इसी प्रकार का बल्लेबाजी देखने में हमारे दर्शक, कुछ देर में मैच उतना अच्छा चल नहीं रहा था, जिस वजह से हमारे दर्शक मुर्गा पड़ा की ओर चले गए थे। फिर से दर्शक धीरे धीरे मैदान की ओर आ रहे हैं। फिर से एक बार डीके, और इस बार भी वासुदेव, और इस बार उठा दिया, और ये लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ये दम नना था डावरलाल धनमंजन छक्का, क्या बल्लेबाजी डीके के द्वारा। 40 साल के नौजवान अभी पोलार्ड की तरह लगते हुए, और छक्का लगाने के बाद बल्ले को उठाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए, और इस बार हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। फिर से एक बार वासुदेव, और इस बार भी डीके, और इस बार फुल टॉस, और इस बार उठा दिए हैं, और नीचे फील्डर मौजूद, और फील्डर से कपला दी, और ये दन दना था 2 रन, और डीके आ गए स्ट्राइक छोर पे, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान पर 51 रन बना लिए हैं, और इस मैच को मां पावड़ी को जीतने के लिए 52 रनों की आवश्यकता है। क्या बल्लेबाजी की है डीके, जहाँ 35 रन बन रहे थे वहाँ 50 रन तक अपने टीम का स्कोर को लेकर गए हैं, और एक जबरदस्त फाइटिंग का स्कोर दिए हैं, इसमें फाइट कर सकते हैं उनके गेंदबाज। ये मैच स्टार्ट होता हुआ मां पावड़ी वर्सेस हीरो लीजेंड, और पहली बार गेंदबाजी करेंगे हीरो लीजेंड की ओर से, और ये गेंद, और बहुत अच्छा शॉट, और पॉइंट के ऊपर से उछाल कर खेल दिया, दम दना दाडा बरलाल धनमंजन चौका। इसी प्रकार के बल्लेबाजी का होता है इस मैच को जीतने। आशीष गुप्ता अपने बॉलर को कुछ समझाते हुए, फिर से एक बार, और ये गेंद, और इस बार कोई रन नहीं, बॉल देखने के बाद थोड़ा नीचे रहा, जिस वजह से बल्लेबाज इतना अच्छा से खेल नहीं पाया। फिर से एक बार, और इस बार भी कवर के पॉइंट के बीच खेल कर दम दना दाडा बरलाल धनमंजन चौका। अजीत अपना व्यक्तिगत स्कोर 8 रन पर पहुंच गए हैं, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी अजीत के द्वारा। टीम का स्कोर 3 गेंदों पर 8 पहली फोर्थ पे स्कोर। फिर से एक बार अजीत, और इस बार हल्के हाथ से खेलकर बॉल को सम्मान देते हुए।
हफ्ते एक बार अजीत सामना करेंगे, इस बार साइड चेंज करते हुए गेंदबाज, और इस बार बहुत ही अच्छा लगान के गेंदबाज की तरफ हाथ को बार बार घुमाते हुए, और इसी के साथ हल्के हाथ से खेलते हुए एक रन चुराते हुए अजीत, और ये चार रन नंदना दड़ा वाला मनोरंजन चौका। हालांकि गेप में डिफेंस करके चार रन प्राप्त किए हैं। क्या जबरदस्त गेंद में पेस था, जिस वजह से बॉल लुढ़कते लुढ़कते बाउंड्री के बाहर, नंदना दड़ा वाला चौका। फिर से एक बार अजीत सामना करेंगे, और इस बार हल्के हाथ से बॉलर की दिशा में खेल, एक ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन कुल स्कोर बिना कोई नुकसान के मां पावड़ी का। इस बार सुधीर सामना करेंगे पहली बार, और इस बार भी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी। टीम मेंबर से निवेदन होगा कि आपकी अगली गेंद का सामना करेंगे सुधीर। फिर से एक बार सुधीर, और इस बार अंपायर का अंपायर से आउट मांगते हुए आशीष, जबरदस्त अपील। उत्साह बहुत ज्यादा था, विश्वास कम था इस अपील में, और अंपायर ने नकार दिया। फिर से एक बार सुधीर, और इस बार भी शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंदबाजी, हालांकि हल्के हाथ से खेलकर एक रन। तारापति का सामना करेंगे अजीत इस मैच में पहली बार, और ये गेंद, और इस बार वन गेंद, और अंपायर का निर्णय वाइट छोटा दिशा था बट के, जिस वजह से वाइट के रूप में अपनी विपक्षी टीम को एक रन देते हुए, और एम्पायर रिवर्स करते हुए, उनका मानना है कि ये वाइड नहीं था, लेग बाई था, जिस वजह से कोई रन नहीं, थोड़ा सा पैर में जाके बॉल टकराया था शायद। फिर से एक बार तारापति, और सामने अजीत, और इस बार सामना करेंगे फिर से अजीत, और इस बार उठा दिए हैं और सामने, और इसी के साथ आशीष ने क्या जबरदस्त अजीत का पारिकांत कर दिया। काफी अच्छी और काफी सूझबूझ भरी गेंदबाजी तारिक भरी के द्वारा। घासीराम सामना करेंगे तारापति का, और ये गेंद, और इस बार बहुत अच्छा गेंद, सुधीर सामना करेंगे नए गेंदबाज का, और इस बार बहुत ही अच्छा अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज के द्वारा, समझ नहीं पाए। फिर से एक बार सुधीर सामना करेंगे, और ये गेंद, और इस बार मिड विकेट पर चाल करके, और एक रन, इस बार सामना करेंगे, और ये गेंद, और इस बार बहुत अच्छा गेंद, खेलने की कोशिश। दोनों ही कप्तान से निवेदन होगा कि वो जल्द से जल्द कमेटी से संपर्क करें टॉस के लिए। एक बार मलिक का जैसा स्टाइल, और इस बार उठा दिए हैं, और फील्डर नीचे मौजूद, और फील्डर से गफलाती, हालांकि जबरदस्त कोशिश, बहुत दूर से आकर दूरी को तय करते हुए उस कैच को टपकने की कोशिश, हालांकि हाथ में आ गया था गौरी शंकर का, लेकिन सफल नहीं हुए, और अभी भी बल्लेबाज अपने क्रीज में सुरक्षित मौजूद। फिर से एक बार सुधीर, और इस बार उछाल दिए मिड विकेट की दिशा में, हालांकि फील्डर मौजूद काली, और सिर्फ एक रन से संतुष्ट करना पड़ रहा। एक बार और इस बार उछाल दिए मिड विकेट की दिशा में, हालांकि फील्डर मौजूद, और फील्डर ने कैच लेने में कोई कोशिश नहीं किया, हालांकि कोशिश कर सकते थे, अभी भी सुधीर और उनके साथी खिलाड़ी अभी भी मौजूद है मैदान। तारकपति आए हैं गेंदबाजी करने, और आते ही अपने टीम को सफलता दिला दी, और जबरदस्त कैच लिए हैं, क्या जबरदस्त कैच, क्या जबरदस्त कैच। तारकपति ने इससे पहले ओवर में सिर्फ एक रन दिए थे और एक विकेट लिए थे, और अभी पहली गेंद में अपने टीम को सफलता दिलाते हुए, क्या गेंदबाजी अभी तक तारकपति के द्वारा। बल्लेबाजी करने और तारकपति गेंदबाजी, और इस बार घुटने के बल बैठकर स्कोर लेग की दिशा में खेल दिए, और जब तक फील्डर फील्ड कर पाते हैं तब तक आसानी के साथ एक रन, और इसी के साथ अपना खाता भी खोलते हुए काजल। तारकपति का सामना करेंगे सुधीर, और ये गेंद,
और इस बार उठा दिया और फील्डर मौजूद है, इसी के साथ फील्डर ने कैच ड्रॉप कर दिया। एक मौका सुधीर को मिलता हुआ, तारक पति ने अपना काम बखूबी से निभाते हुए निभा दिया था। इस ओवर में उनको दो विकेट मिल रहा था, हालांकि फील्डर की गफलाती की वजह से सिर्फ अभी तक एक ही विकेट मिला है उनको। फिर से एक बार तारक पति और सामना करेंगे काजल, और उठा दिया और ये दम बना दड़ा ओवर लाल मंजन चक्का, क्या जबरदस्त छक्का लगाए हैं काजल। जीवन दान दीजिएगा तो आपको इसी प्रकार का नतीजा भुगतना पड़ेगा, और उसको जीतने के लिए 26 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता है। फिर से एक बार तारक पति और सामना करेंगे फिर से काजल, और ये गेंद और इस बार भी उसको शॉट का पुनरावृत्ति करते हुए, लेकिन इस बार सफल नहीं। फिर से एक बार तारक पति और सामना करेंगे काजल, और ये गेंद और इस बार उठा दिए हैं, इस बार फिर से एक बार फील्डर नीचे मौजूद, और इस बार भी गफलाती, जहाँ विकेट मिलना चाहिए था वहाँ अपने विपक्षी टीम को दो रन दे दिए। इस बार सुधीर सामना करेंगे, और इस बार बहुत अच्छा गेंद मलिंगा की स्टाइल में गेंद को डालते हुए, एक बार और इस बार भी सामना करेंगे सुधीर, और इस बार ऑफ साइड में घुसकर लेग साइड में पुल कर दिया, और ये दम दनाता गोल पोस्ट का फील्डिंग, जाकर बॉल टकराया गोल पोस्ट से और सिर्फ एक ही रन यानी 3 रन गोल पोस्ट ने बचा दिया। पहली बार सामना करेंगे काजल, और ये गेंद और इस बार भी उठा दिए हैं, लेकिन और ये कीपर और बॉलर की गफलाती की वजह से जहां आउट होना चाहिए था वहां पे फिर से एक जीवनदान मिलता हुआ। फिर से एक बार, इस बार सुधीर सामना करेंगे, और इस बार भी ऑफ साइड में घुसकर लेग साइड में खेल दिया, और इस बार फाइन लेग की दिशा में खेलकर दम दनाता डावरलाल चक चौका। इस बार क्या जबरदस्त शॉट, ऑफ साइड में घुसकर लेग साइड में पुल करके 4 रन प्राप्त करते हुए सुधीर। फिर से एक बार सुधीर सामना करेंगे, और इस बार लो फुल टॉस, बहुत अच्छा गेंद। अब इस मैच को जीतने के लिए 19 गेंदों में सिर्फ 18 रन की आवश्यकता है, यानी सिंगल डबल में भी इस मैच को जीता जा सकता है। माँ बावड़ी के बल्लेबाज बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी करते हुए वर्तमान समय में। फिर से एक बार मास्टर और सामने है सुधीर, और ये गेंद और इस बार भी उठा दिए हैं, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद नहीं है, और क्या जबरदस्त गफलाती वाला फील्डिंग, जहां हाथ में बॉल आ रहा था फील्डर सीधे अपने सर में बॉल को लिया, और फलस्वरूप वही अभी भी बल्लेबाज क्रीच में मौजूद। फिर से एक कैच ड्रॉप करते हुए इस बार काली, अब 18 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता, और ये गेंद और इस बार बहुत अच्छा गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंदबाजी हो रहा है एकदम मलिंगा जैसे गेंदबाज के द्वारा, मलिंगा के स्टाइल में गेंदबाजी करते हुए, हालांकि मलिंगा से हाइट में थोड़ा लंबे हैं, पथिराना जैसा गेंदबाज, और इस बार उठा दिए, और ये दम दनाता डावरलाल दत्तमंजन कैच, क्या जबरदस्त कैच, इस बार सफल हो गए हैं, इस बार गौरी शंकर सफल हो गए हैं, और इसी के साथ सुधीर कपारीकांत अब इस मैच को जीतने के लिए 16 गेंदों में 17 रन हो सकता है, और इस बार क्या गेंदबाजी, और बहुत ही जबरदस्त कैच आशीष के द्वारा, और इसी के साथ दोनों एम्पायर निर्णय लेते हुए पब्लिक बोलते आउट है, और इसी के साथ नकार दिए हैं। फिर से एक बार काजल तो नहीं आए हैं, काजल नॉन स्ट्राइक छोर में है। फिर से एक बार बहुत ही अच्छा गेंदबाजी पति राणा के द्वारा, 14 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता, और इस बार उठा दिया, और ये दम दनाता डावरलाल दत्तमंजन छक्का, झाड़ू मार शॉट कहते हैं हमारे लैंग्वेज में, और ये जबरदस्त छक्का लगाते हुए 6 फुट 2 इंच के नौजवान तिराना, और इस बार उठा दिए पॉइंट की दिशा में, और ये दम दनाता डावरलाल दत्तमंजन चौका। अब इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ 7 रनों की आवश्यकता है, और एक मुर्गा मैदान में प्रवेश कर गए हैं, अब देख सकते हैं मैच मुर्गा घूम गए मैदान में। इस मैच को जीतने के लिए 6 रनों की आवश्यकता, और इस बार बहुत अच्छा गेंद, कोई रन नहीं। फिर से एक बार, और ये गेंद, और इस बार कीपर से गफलाती, और एक रन चुराते हुए हार्ड हिटर बल्लेबाज जिन्होंने मैच का रुख बदल दिया, और इसी के साथ कहते ही दम दनाता डावरलाल दत्तमंजन छक्का, और इसी के साथ मैच को जीतते हुए, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, इन्होंने अकेले इस मैच को जिता दिया।
क्या जबरदस्त बल्लेबाजी किए हैं। इसी के साथ अपने कब्जे में मां पावड़ी ने 6 विकेट से इस मैच को जीत लिया है।